से, वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में होगा क्या कि आपको इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले वाले इंटरवल में, अगर आपने इंटरवल सेट किया है 1 सेकेंड का, तो 0 to 1 सेकेंड के इंटरवल में आपने क्या किया कि पहली बार तो कर लिया 10 मीटर कवर, फिर उसके बाद 1 to 2 सेकेंड में कर लिया 20 मीटर कवर, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन हमारा नहीं होगा। पहले तो ये समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या। तो यूनिफॉर्म मोशन में करना क्या है, मतलब होगा क्या कि 10 मीटर अगर उसे वो पहले सेकंड में कवर कर रहा है 0 to 1 सेकंड के इंटरवल में, तो अगले इंटरवल में जो कि 1 to 2 सेकंड का होगा, उसमें भी उसे उतना ही कवर करना पड़ेगा, 10 मीटर ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम 2 to 3 सेकंड की बात करें तब भी, यानी कि जब भी हम जितनी देर तक उसे ऑब्जर्व करेंगे, जितनी देर तक मान लो हम उसे 0 to 10 सेकंड तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हर एक टाइम इंटरवल में जो भी हमने डिसाइड किया, जैसे मान लो हमने 0 to 2 सेकंड का टाइम इंटरवल डिसाइड किया, तो उस इंटरवल में उसे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना ही होगा, तभी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच में ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, ये डिसाइड करना होगा या फिर ये जानना होगा कि पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। जब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो अगर हम ऊपर वाली ही एग्जांपल लें, क्या कि 10 मीटर उसने कवर किया 0 to 1 सेकंड में, तो उसकी पोजीशन क्या रही, अगर वो एक्सिस इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा था, तो 0 to 1 सेकंड के इंटरवल के बाद, यानी कि 1 सेकंड के बाद, आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, 10 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है, मान लो अगर हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं और वो 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 10 मीटर कवर करेगा, ठीक है। अब पोजीशन की हम अगर बात करें दूसरे वाले केस में, क्या कि अगर हमने बात की कि x इज इक्वल्स टू 10 पे है वो फिलहाल में, एट t इज इक्वल्स टू 1, अगर हम बात करें कि अगले सेकंड में उसने क्या कवर किया इन टाइम इंटरवल, वन टू टू सेकेंड उसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, अब उसकी पोजीशन होगी, अब उसकी पोजीशन होगी एक्स इज इक्वल्स टू 10 plus 10। अब ये क्यों किया, क्योंकि अब हम ए पॉइंट से चले थे और सी तक पहुंचे थे, कितना 10 मीटर, जो कि 10 मीटर की डिस्टेंस था। अगले हम अगर पॉइंट की बात करें तो वो डी पॉइंट है, वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये था 1 सेकंड पे, ये क्या है 2 सेकंड पर, ठीक है, टी इज गस्टू। अब क्या हुआ, ये देखो आप ए पॉइंट से हम देखेंगे कि उसकी पोजीशन है क्या, ए पॉइंट से यहाँ पे जब हम सी पॉइंट की बात करें तो 10 मीटर दूर था, यानी उसकी जो पोजीशन थी विद रेस्पेक्ट टू ए वो क्या थी, 10 मीटर। अब हम अगर डी पॉइंट की पोजीशन देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या होगी, 20 मीटर, 10 plus 10, क्योंकि ये 10 यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला 10 मीटर, तो ओवरऑल ये कितना हुआ, 20 मीटर। तो ये पोजीशन क्या हो गई, 20 मीटर की, ठीक है। ऐसे ही हम इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन प्लस 10 या जितना भी हमने इंटरवल लिया है डिस्प्लेसमेंट का, वो ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ बनेगा कैसा, पहली बात तो हमें ग्राफ में क्या करना होगा, एक्सिस डिफाइन करनी होगी। तो टाइम एक्सिस हमने लेटर सपोज एक्स एक्सिस को लिया, टाइम है, सॉरी ये यहाँ पे सेकंड लिख रहे हैं कि सेकंड में हम इसको मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन क्या है, मीटर्स में है, ठीक है। हमने यूनिट्स डिफाइन की, मतलब एक स्क्वायर जो होगा ग्राफ में आपके जो स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर को हमने 1 सेकंड लिया हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे, इसको 2 लिया, इसको 3, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है ना, टाइम इंटरवल हमने 1 सेकंड का लिया था, यहाँ पे हम 10 मीटर का वो ले रहे हैं इंटरवल। तो जैसे हमने बात की थी पिछले वाले एग्जांपल में ही
जीरो टू वन में वो कितना चला था, 10 मीटर। पोजीशन उसकी क्या थी, 10 मीटर। तो उसकी पोजीशन थी 10 मीटर और ये 1 सेकेंड तो क्या हो गया, ये पॉइंट हमने डिफाइन किया। अगले वाले केस में, अगले वाले इंटरवल में 0 to 2 सेकेंड के अंदर क्या हुआ कि वो अगेन 10 मीटर चला, तो उसकी पोजीशन क्या रही, इस बार 20 मीटर हो गई। तो पोजीशन एंड टाइम ग्राफ को प्लॉट किया, ऐसे ही हम करते चल जाएंगे और जब बाद में हमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे, उसके बाद हमें